गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई सेवंथ क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। और इसमें हम चोलाज में आ गए थे। चोलाज में फिर हमने धर्म की हिस्ट्री देखी, फिर हमने स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज कल्चर्स के बारे में जानने की कोशिश की। अब जो हम जानने वाले हैं, चोलाज का ही इरिगेशन सिस्टम क्या था, यानी एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिस्टम क्या था। जैसा कि आप प्यारे बच्चों जानते हो कि मैंने आपको कावेरी डेल्टा के बारे में बताया, यानी कि जो वहां पे जो फेमस जो रिवर, जो पानी का एक साधन है, वो क्या है, कावेरी रिवर है। और जो उसका डेल्टा होता है, आपको पता है डेल्टा, आई होप यू रिमेम्बर, वो क्या होता है, वो जैसे ही पानी का बहाव ज्यादा होता है तो वो जो स्ट्रीम्स है वो ओवरफ्लो हो जाती है, जिसको हम फ्लड्स भी कह देते हैं, जो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब वो ओवरफ्लो होती है प्यारे बच्चों, तो अपने साथ में वो फर्टाइल सॉयल लेके आती है, जिसके कारण वो वाला जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है ना। तो और क्योंकि पानी वहां पर है, तो वहां पे जो सॉयल को एक मॉइस्चर चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप। और कौन सी क्रॉप स्पेशली, आपको पता है, जहां पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जहां इजिली अवेलेबल होता है, वहां पर हमेशा राइस को उगाया जाता है ना, चावल को। तो आपको वैसे ही पता है साउथ इंडिया में चावल की खेती जो है वो बहुत, या जो कोस्टल प्लेन्स है, इवन वेस्ट बंगाल वाला साइड जो है, वहां पे चावल की बहुत ज्यादा खेती होती है। तो प्यारे बच्चों की ये जो चोला डायनेस्टी थी, इसको देखो, युद्ध जीतना एक अलग बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन भी करना एक डिफरेंट थिंग होगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन लोगों का भरपेट खाना है ना, यानी कि उनको भरपेट खाना होना चाहिए उनके पास। तो उसके लिए क्या मतलब, इरिगेशन का जो सिस्टम किया गया, यानी कि जो पानी की जो व्यवस्था की गई फसलों के लिए, फील्ड्स के लिए, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण का मतलब काम था इस डायनेस्टी का, जिसके कारण ये एस्टेब्लिश कर पाए और एक लंबा एम्पायर जीत पाए। तो प्यारे बच्चों, तमिलनाडु जो है, हम ये बेसिकली जो चोला चेरा पांड्याज, ये सब तमिलनाडु वाले एरिया की बात करें, साउथ इंडिया की, तो इसमें जो है प्यारे बच्चों की जो ये वाला एरिया है, थंजावुर वाला या जो रायूर है, यहां पर बहुत पहले से चावल या खेती नहीं की जाती थी, है ना। उबड़ खाबड़ जमीन थी, लेवल नहीं थी, लेकिन बाकी जगह पे स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी में यहां पर भी कल्टीवेशन के काम के ऊपर बहुत जोर दिया गया, है ना, क्योंकि चोलाज की समय से लगा लो आप, चोलाज ने इसको और भी ज्यादा फिर जो इरिगेशन है उस सिस्टम को काफी सुधारा। तो या फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी में यहां पे काम होना शुरू हो गया था, यानी कि कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो इसके लिए क्या किया गया होगा, सबसे पहले तो फॉरेस्ट जो एरिया है उसको, मतलब फॉरेस्ट को काटा गया होगा ताकि लैंड मिले, है ना। फिर वो जो लैंड है उबड़ खाबड़ होगी, उसको फिर लेवल किया गया होगा, राइट। तो लेवल करने के बाद फिर वहां तक पानी पहुंचाने के लिए जो कैनाल्स है उनको कंस्ट्रक्ट किया होगा। तो अब हम देखते हैं एक बार बुक में हम क्या है, ये हमने आपको थोड़ा सा स्टोरी के तहत समझाने की कोशिश की। न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, कावेरी डेल्टा, जो हमने देखा कि वो फर्टाइल सॉइल कैसे लेके आता है, कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड मॉइस्चर भी सॉइल को देता है। तो फिफ्थ सिक्स सेंचुरी में ये वाले एरिया में जिसकी हम बात करें, ओपन फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन, तो उसके लिए क्या क्या किया गया, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, लैंड को लेवल किया गया, क्योंकि खेती हम उबड़ खाबड़ जमीन में नहीं कर सकते हैं, लेवल किया गया। एम्बैंकमेंट्स क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वहां पे रिवर्स जो है, जो स्ट्रीम्स बन जाती है रिवर की, वो क्या है कि ओवरफ्लो करती है, तो जिसके कारण फ्लड आते हैं, जिसके कारण नो डाउट की फर्टाइल सॉइल भी आती है, लेकिन उसको एक प्रॉपर वे में करने के लिए, ताकि मतलब जब रिक्वायर्ड हो तभी वो फ्लो करे, तो उसके लिए एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं। एम्बैंकमेंट्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं, आपने जो भी नदी देखी होगी आज तक, जो आपने खुद अपनी आंखों से देखी है, तो आप देखेंगे पानी के साइड में, जहां पानी है बीच में, जो साइड में जो वो पत्थरों से बनाया जाता है, या जो उनके ऊपर एक लोहे का जाल बिछाया जाता है, उसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट, और उसके ऊपर फिर एक चलने का रास्ता होता है ना। तो यानी कि जो पानी को रोकता है, एम्बैंकमेंट करता है, वो रिवर्स के आसपास, कैनाल्स के आसपास कंस्ट्रक्ट किया गया। एम्बैंकमेंट का मतलब, आई होप यू मस्ट बी क्लियर, कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड। अब ये जो जहां फील्ड्स तक पहुंचाने के लिए, यानी जहां पे हम खेती कर रहे हैं, हमने फॉरेस्ट हटा दिया, वहां पर हमारे पास पानी का साधन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैनाल्स यानी कि छोटी छोटी स्ट्रीम लाइंस को हम आर्टिफिशियल यानी मैन मेड तरीके से उसको हम वहां तक पहुंचाएंगे। तो ये सारा काम जो है ज्यादातर जो चोलास डायनेस्टी में हुआ। फिर आप देखेंगे इन मैनी एरिया टू क्रॉप्स ग्रोन इन अ ईयर, तो यानी कि क्योंकि पानी की वहां पे मात्रा अच्छी है, तो एक साल में लगभग दो फसलें वहां पर उग जाती थी। अब 1000 साल पहले की बात करें, आज तो हम तीन तीन चार चार फसलें भी हम मतलब उगा लेते हैं, राइट। तो हम उस समय की बात करें तो दो फसलें और मैक्सिमम क्या होती थी, राइस, है ना, चावल। इन मैनी केसेस, अब हर जगह पे कावेरी नदी का पानी तो नहीं पहुंच सकता है,
कैनाल को भी हम इतनी लंबी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो हर जगह तक एरिया एक काफी बड़ा होता है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इरिगेशन भी यानी आर्टिफिशियल तरीके से पानी को पहुंचाया जाता है। तो उसके लिए क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने एक तो वेल्स को डब किया यानी कि जो कुएं हैं उनको बनाया गया जगह जगह पर। दूसरा इन्होंने जो किया एक बहुत बड़े बड़े एरियाज डिसाइड किए जहां पे वाटर जो रेन का वाटर है उसको वो संभाल के रखते थे, प्रिजर्व करते थे, रिजर्व करते थे फॉर दी रिक्वायर्ड टाइम। इन मेनी केसेस वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली है ना आर्टिफिशियली पहुंचाया जाता था। वेल्स वर डग यानी कुएं बनाए गए जहां पर नदी या कैनाल नहीं पहुंच पा रही थी। ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, ह्यूज टैंक्स यानी जहां पे पानी को रेन वाटर को टू कलेक्ट रेन वाटर। यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, रिमेम्बर है ना आपके बुक में भी इसी तरीके से, बट रिमेम्बर इरिगेशन जो है ये कोई एक इतना आसान काम नहीं, इसके लिए हमें रिसोर्स भी चाहिए, लेबर भी चाहिए और फिर उस सबको मेंटेन करने वाले भी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एक बार लेबर मिल गया फिर हमें अगले साल फिर चाहिए, तो उसको मेंटेन करने वाले भी चाहिए। तो इस काम को ये इट्स नॉट अ इजी गेम। तो इस काम के लिए तो जो न्यू किंग्स थे है ना, सामंत आप कह लो या जो छोटे छोटे जो अलॉट कर रखे थे वो इंटरेस्ट लेते थे और प्लस जो वहां के कॉमन पीपल थे वो इस चीज में बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे क्योंकि उनको पता है कि अगर फसल नहीं होगी तो खाएंगे क्या या उनका रोजगार या उनका जो बाकी की जो जीव दिन चल रहा है वो कैसे चलेगी। तो ये बड़ा ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर, रिसोर्सेस कौन कौन से रिसोर्स चाहिए एंड मेंटेन देम, डिसाइड हाउ वाटर शेयर्ड। अब जो पानी है अब एक एक खेत से निकल रहा है तो ऐसा नहीं कि वो उसी को ही मिलेगा, उसके थ्रू जो कंस्ट्रक्ट की गई है कैनाल्स वो उनको भी मिलेगा, तो इसको किस तरीके से शेयर करना है इसके लिए भी हमें प्लानिंग की जरूरत है। तो मोस्ट न्यू रूलर्स, तो इस सब चीजों को कौन मेंटेन करता था, जो नए रूलर्स थे वो एंड पीपल लिविंग इन विलेजेस जो उस गांव में पर्टिकुलर उस एरिया के आसपास थे वो लोग करते थे, टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन ऑल दीज एक्टिविटीज। तो प्यारे बच्चों हमने ये थोड़ा सा इसमें आप जो इम्पोर्टेंट है, आपने लैंड को फॉरेस्ट को काटा, फिर आपने लैंड को लेवल किया है ना, एम्बैंकमेंट्स की, फिर आपने कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट किया ठीक है, फिर आपने देखा कि भाई किस तरीके से जो है वेल्स को डग किया गया जहां पे पानी नहीं था नेचुरल तरीके से, वहां पे मैनमेड तरीके से बनाया गया और बड़े बड़े टैंक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि पानी को जो रेन वाटर है उसको रिजर्व किया जा सके। और ये इट्स नॉट अ इजी गेम, इसमें काफी प्लानिंग, रिसोर्स, मेंटेनेंस, लेबर काफी चाहिए होता है। तो इसके लिए जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे या जो इसका रेख रखाव करते थे वो मेनली जो न्यू रूलर्स थे वो प्लस जो पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज थे। तो मैं इसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों की ये जो एक छोटा सा टॉपिक था ये आपको समझ में आया होगा और इसमें से भी क्वेश्चन आप देखेंगे बैक एक्सरसाइज में से आपको पूछा गया है, तो इट्स अ वेरी इजी ऑल्सो एंड आई होप यू आर इंजॉइंग द चैप्टर जो कि साउथ इंडिया का है पर्टिकुलरली, लेकिन फिर भी अब आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।